हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैटपस कैम में। फ्रेंड्स, आज हम सीएनसी की वीडियो में दोस्तों करेंगे पार्ट काउंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम पार्ट काउंट के बारे में करेंगे। अब जैसे कि आप सभी जानते हो कि जब आप इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप काम करते हो तो जो हमारे पास प्रोडक्शन होता है वो मास प्रोडक्शन के अंदर होता है, मतलब आपको बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो बनाने पड़ते हैं। तो उसकी गिनती, मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि आपने कितने पार्ट जो है बना लिए हैं, ठीक है, ये कितने पार्ट पे आपने वर्क कर लिया है, वो चीज दोस्तों कहलाती है आपकी पार्ट काउंट कहलाती है। ठीक है, आज उसी के ऊपर वीडियो होगा दोस्तों कि अगर आपको अपने पार्ट काउंट को चेक करना है आपकी मशीन के अंदर कि वो कितने मशीन कितने पार्ट को बना चुका है और उसको चेंज करना है तो आप किस तरह से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आप यहाँ पर मशीन पर देख रहे हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी आप पार्ट काउंट आप देखना चाहते हो तो एक तो आपका जो ये हमारे पास जो प्रोग्राम एडिट की है, ठीक है, चेंज करने के लिए, ठीक है, ये प्रोग्राम एडिट की जो मेरे पास ये है ये ऑन होनी चाहिए। और यहाँ से दूसरा जो आपका जो मोड है वो हमारा MDI मोड होना चाहिए, एडिट मोड नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब उसके लिए आप क्या करोगे, एक चीज तो ये थी, दूसरा उसके बाद आप क्या करोगे, जो हमारे पास ये ऑफसेट सेटिंग का जो बटन होता है इसको आप दो बार प्रेस करोगे। यहाँ से जैसे मैं इसको दो बार प्रेस करता हूँ, एक और दो, सॉरी यहाँ पर एक बार में आ गया, कई बार में क्या होता है कि दो बार में आता हूँ, ठीक है। तो आपके पास एक सेटिंग आएगी, ये मेरे पास सेटिंग आएगी। अब यहाँ पर सेटिंग में देखो, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास फीड है तो फीड दी हुई है, नीचे ऑप्शन मिल जाता है मुझे देखो पार्ट काउंट का। यहाँ पर देखो मेरे पास पार्ट काउंट है, टोटल इसने कितने दिखा रखे हैं, 5 दिखा रखे हैं कि मैं 5 जो वर्क पीस है वो बना चुका हूँ या 5 जो है वर्क पीस वो काम कर चुका हूँ मैं 5 के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है आपका पार्ट काउंट, तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हो। अगर आपको इसको चेंज करना है कि मान लो कितने आपको पार्ट चाहिए, जैसे कई बार होता है कि हमें ना एक मैक्सिमम लिमिट हम यहाँ पर लगा देते हैं कि हम इनको ना इतने पार्ट आपको काउंट करने हैं, इतने पार्ट आपको बनाने हैं, तो वो आप कैसे बढ़ा पाओगे, उसको किस तरह से चेंज कर पाओगे, उसी के बारे में दोस्तों सीखेंगे। तो यहाँ से तो आप चेक कर सकते हो खाली कि कितने पार्ट बन चुके हैं, 5 पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। अगर मुझे इसको चेंज करना है तो यहाँ पर जो हमारे पास ये सेटिंग्स होती है इसके पैरामीटर में आते हैं। यहाँ से आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये मेरे पास ये एरो की बटन है इसको मैं नीचे की तरफ आता हूँ। यहाँ से इस तरह से आप चलते जाओगे नीचे की तरफ, और जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो आपके पास टोटल पार्ट टोटल कितने हैं, 4 है यहाँ पर, ठीक है। और रिक्वायर्ड कितने हैं, 0 हैं। पार्ट काउंट कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो जितने भी आपको वैल्यू को बढ़ाना है तो आप यहाँ से जो है वो इंक्रीज कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से पार्ट, यहाँ से मैं नीचे की तरफ आया इसके ऊपर, ये देखो आप यहाँ पर भी बता सकते हो कि कितने रिक्वायर्ड पार्ट आपको कितने चाहिए, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो उससे ज्यादा जब आपका पार्ट बन जाएंगे तो वहां पर वो आपको इंडिकेशन देगा, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर पार्ट काउंट आप यहाँ से बढ़ा सकते हो अपने वाले। तो यहाँ से जब इसको मुझे बढ़ाना है तो मुझे क्या करना है, ये पार्ट काउंट, और दूसरा आपको जो हमारे पास ये एडिट मोड था इसको हमें क्या करना है, MDI मोड में करना है। ये मैंने MDI मोड में किया। MDI मोड में करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे आप आ जाते हो तो यहाँ पर जैसे मुझे पार्ट को 4 रखना है, तो मैंने यहाँ से 4 कर दिया। यहाँ पर आप देखोगे नीचे के मेरे पास ये 4 आ गया। इसको आपको क्या करना है, यहाँ से इनपुट कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ से इनपुट प्रेस करूंगा, इनपुट के बाद ये आपसे पूछता है एग्जीक्यूट कि आपको एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ से मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखो आपके पास जो टोटल पार्ट होंगे वो 4 हो गए, और इधर की तरफ जो मुझे पार्ट दिखा रहा था 5, वो भी आपके पास टोटल कितने हो गए, 4 हो गए दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने पार्ट काउंट का जो ऑप्शन है कि आप कितने पार्ट आप बना चुके हो वो चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो, और उसको अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये जो दोस्तों वीडियो था वो एस की जो मशीन है दोस्तों हमारे पास, इस कंपनी की मशीन है, उसके लिए है। बाकियों में तरीका वही होता है, बस थोड़ा सा आपको सेटअप देखना पड़ेगा कि कहाँ पर वो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था दोस्तों पार्ट काउंट के ऊपर वीडियो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।